अच्छा जी, पैटर्न्स ही हम बेसिकली देख रहे हैं थे लास्ट टाइम। और पैटर्न्स में हमने जो है वो कुछ और वैरायटी देखते हैं और कैसे उसको डील करना है। आपको मैं एक लिंक भी शेयर करूँगा जहाँ पे डिफरेंट पैटर्न है। एक लेक्चर भी शेयर करूँगा कि किसी किसी कोई पैटर्न आ जाए तो उसे सॉल्व कैसे करना। अच्छा जी, तो अब अगर हम सिर्फ इसको रन करें लास्ट टाइम हमने ये वाला किया था, ये वाला पैटर्न किया था या कोई और किया था? अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो क्या था? किया था। वो तो स्टार स्टैटिक प्रिंट करवाना था, यही किया था। हाँ ठीक है, फिर पॉइंट पे डिक्रीमेंट करेंगे, अनलाइक जैसे कि पहले हम कर रहे थे तो हर बात हर आइट्रेशन में इंक्रीमेंट कर रहे थे। तो अगर आप देखें जी, आई की मैंने अभी रो जो एंटर की हैं वो 1 2 3 4 5 6 रोज एंटर की हैं, और अब आई इज इक्वल टू 6 है, और तब तक चलना है जब ये आई 1 के छोटा या इक्वल नहीं हो जाता, और हर बार एक डिक्रीमेंट करना। तो अभी आप देखेंगे पहली बार क्या होगा कि आई की वैल्यू 6 होगी, चेक करेगा क्या 6 जो है वो 1 से ग्रेटर है या इक्वल है, और अगर वो ग्रेटर इक्वल है तो ट्रू है, वो अंदर आएगा और जे को 1 कर देगा, और जे ने कहाँ तक चलना है, आई तक चलना है और जे प्लस प्लस, और उस लूप के अंदर क्या हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है। तो आपका अभी आई की वैल्यू है 6 और जे 1 है, तो ये बेसिकली 6 दफ़ा चलेगा और 6 दफ़ा स्टार प्रिंट करेगा। जब ये 6 दफ़ा चल जाएगा तो यानी यहाँ पे जब 7 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप नहीं चलेगा, और ये चीज़ चलेगी सी आउट ये स्लैश एन, और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर ऊपर वाले लूप में आएगा तो एक डिक्रीमेंट हुआ होगा, यानी कि अब जो है क्या कहते हैं आई की वैल्यू पहले 6 थी अब 5 हो जाएगी। ठीक है, वो कंडीशन चेक करेगा क्या 5 1 से ग्रेटर है या इक्वल है, तो हाँ अभी ग्रेटर है तो 2 है कंडीशन, फिर ये अंदर नीचे आएगा और जे इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक चलेगा 5 तक, 5 दफ़ा चलेगा और स्टार 5 दफ़ा प्रिंट होगा, और जब 5 से 6वीं दफ़ा जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये जो है नेक्स्ट लाइन में जाएगा इस स्टेटमेंट से, और ये इस तरीके से बेसिकली इन्वर्टेड जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा स्टार्स। ठीक है, आपकी बेसिकली दो दो मिसाल से टास्क दिए थे आपको, उनमें से एक यही था बेसिकली कि आपने इन्वर्टेड कैसे कराना है। ठीक है, इसके अलावा हम एक और देखते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि बेसिकली हमने कंप्लीट पैरामीटर जो है वो अगर प्रिंट करवाना हो तो वो कैसे करवाएंगे। तो आप देखेंगे जी, हमने पहले 4 वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाए। ठीक है, एन एस आई और जे, फिर देखते हैं इनका क्या इस्तेमाल है। फिर यूज़र से हमने पूछा कि कितनी रोज़ आप चाहते हैं जिसका पैरामीटर बने। ठीक है, फिर जब आपने रोज़ ले ली तो सबसे पहले आपने क्या किया, 1 से स्टार्ट करके उस रोज़ तक आपने लूप चलाया। ठीक है, उस लूप के अंदर एक और लूप आपने चलाया जो बेसिकली स्पेस देगा। ठीक है, वो स्पेस किस तरह देगा आप ये देखें, क्योंकि आपने ये स्टार प्रिंट करवाया, अगली बार आपको यहाँ से स्टार नहीं प्रिंट करवाने, सेंटर से स्टार प्रिंट करवाने हैं, यानी कि आपको स्पेस देनी है। तो आप देखेंगे जी, आपका आई इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्राई की उसने, मैंने यहाँ पे 5 रोज़ एंटर की थी। ठीक है, तो उसने देखा क्या 1 जो है वो स्मॉलर और इक्वल है, क्या नाम है 5 से, हाँ जी है, ट्रू हुआ, अंदर वाले लूप में आया, अंदर वाले लूप में एस लिखा हुआ है, एस को हमने डिक्लेयर इंट नहीं लिखा हुआ, आई के साथ भी इंट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने उन्हें डिक्लेरेशन करवा दी थी एन एस आई जे सब की। तो अब एस जो है उसने आई के इक्वल किया, यानी कि एस जो है 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, और उसने कब तक चलना है, जब एस इज स्मॉलर देन एन, जब तक जो एस है वो स्मॉलर देन एन है, एन क्या था 5,
और एस इस टाइम क्या है, वन, क्यों, क्योंकि आई की पहली वैल्यू वन थी, और उसने चलता रहना कब तक, जब तक वो एस एन से स्मॉलर, यानी कि चार दफ़ा चलेगा और चार स्पेसेस यहाँ पे लेगा, ठीक है। पहली पहली जो लूप है वो रोड डिसाइड कर रही है, अगला जो है वो स्पेस डिसाइड कर रही है कि इतनी स्पेस लेके पहला स्टार प्रिंट करवाना है। तो उसने एस ने कब तक चलना है, जब तक वो एन से छोटा है, यानी कि एन से छोटा कब तक होगा, जब चार होंगे, तो चार दफ़ा एक ये जो है एक स्पेस लेगा, उसके बाद दोबारा चलेगा, तो जो है वो क्या कहते हैं एस में इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक मिनट सिर्फ, तो आपने अब देखा कि जी पहले हमने देखा, पहला ये जो है रो को डिसाइड करेगा, अच्छा दूसरा स्पेस को करेगा, अब जो एस है वो इज इक्वल टू वन है, तब तक चलेगा जब तक एन से छोटा है, तो पहली दफ़ा चलेगा तो एक स्पेस होगी, दूसरी दफ़ा चलेगा तो दो स्पेस, दूसरी बार मतलब स्पेस आएगी, तीसरी दफ़ा स्पेस आएगी, चौथी दफ़ा स्पेस आएगी, तब तक आती रहेगी जब तक एस इंक्रीमेंट होते होते एन से बड़ा नहीं हो जाता। एन से बड़ा कब होगा, एन इस टाइम है 5, और जो क्या कहते हैं एस है ये चलेगा 4 तक। जैसे ये 5 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एस अब स्मॉलर नहीं रहा एन से, तो फिर ये नेक्स्ट लूप में आएगा। नेक्स्ट लूप में क्या हो रहा है, वहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तो जे इज इक्वल टू वन और जे स्मॉलर देन इक्वल टू आई, जे को वन से शुरू करना है, कब तक चलाना है, आई तक, आई क्या है, आई वन था, ठीक है। तो एक स्टार प्रिंट करवा दिया, जब ये एक स्टार भी प्रिंट हो गया तो फिर उसने जो है वो क्या कहते हैं स्पेस ले ली, ठीक है। ये यहाँ पे जाके वो जो स्पेस नहीं, सॉरी, यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पे जब आ गया तो अब उसके बाद दोबारा ऊपर अपने फर्स्ट लूप पे गया, वहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, वो था 2 हुआ, यहाँ पे एस इज इक्वल टू आई, यानी कि 2 हुआ, चलेगा कब तक, जब तक जो है वो स्मॉलर देन एन है, और इस तरीके से नेक्स्ट स्पेसेस लेके दो स्टार प्रिंट हुए, उससे अगली स्पेसेस में 3 होंगे, फिर एक स्पेस लेगा, फिर बिल्कुल स्पेस नहीं लेगा, तो अल्टीमेटली आपके इस वाले स्टार में 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक फैक्टर है रोज, दूसरे फैक्टर हैं कॉलम्स यानी कि जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और तीसरा है स्पेस। तो पहला जो आपका लूप है फॉर लूप, वो देख रहा है रोज को, दूसरा देख रहा है स्पेसेस को, और तीसरा देख रहा है जो क्या कहते हैं स्टार्स को, और ये जो सी आउट लिखा हुआ है ये नेक्स्ट लाइन में लेकर जाता है, ठीक है। ये भी आपको ये देखें तो बेसिकली कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही वाला फ़र्क जो हमने पहले इन्वर्टेड हाफ पैरामिड में देखा था, कि आपका पहले यहाँ पे अगर पीछे देखें हम, तो यही आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रहा था, अब देखें आई इज इक्वल टू एन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जितनी रोज है वहाँ से स्टार्ट किया है और उल्टा चल रहा है। आई इज इक्वल टू एन कब तक चलेगा, जब तक आई बड़ा है या इक्वल है वन के और आई माइनस माइनस, ठीक है। तो बाकी स्पेस वाला भी सेम चलेगा और स्टार वाला भी सेम चलेगा, सिर्फ ये जो है इन्वर्ट करेगा। अब देखेंगे पहली बार इसकी वैल्यू, अगर मैंने 6 रोज की हैं तो आई की वैल्यू 6 होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, स्पेस जो है वो एस इज इक्वल टू 6 होगा, और जो है वो क्या कहते हैं एस स्मॉलर देन 6 चलेगा। तो अब क्योंकि ये 6 है और एस भी 6 है और एन भी 6 है, तो ये पहली बार में कोई स्पेस नहीं लेगा, क्योंकि उल्टा प्रिंट कराना है। जब हम दूसरा देख रहे थे तो क्या होता था, पहली बार में सबसे ज़्यादा स्पेसेस लेता था, अब इसमें पहले बिल्कुल स्पेस नहीं ले रहा, अगले वाले में 1 लेगा, फिर उस अगले वाले में 2 स्पेसेस लेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर, और ये देखें यहाँ पर सेम टू सेम लूप काम कर रहा है जैसा स्टार प्रिंट करवाना था। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया कि जो फर्स्ट लूप है उसे उल्टा स्टार चला दिया, तो आपका ये पैरामिड इन्वर्टेड बन जाएगा, ठीक है। ये समझ आया। आगे।